और मैं पापा को बताने आई थी कि तुम सब कुछ ठीक करने आई थी ना। मैं अपने पापा को समझाने आई थी। हो गया सब कुछ ठीक? समझ गए तुम्हारे पापा। अरमान प्लीज मेरी बात सुनो। अरमान पापा के कहने का वो मतलब नहीं था। अरमान प्लीज, पापा ये कह रहे थे कि मुझसे आज के बाद कभी बात नहीं। अरमान प्लीज मेरी बात सुनो। अरमान पापा का कहने का वो मतलब नहीं था। अरमान वो गुस्से में थे। अरमान मैं पापा को समझा दूंगी प्लीज। वैसे जैसे तुमने अभी उन्हें समझा दिया है। अरमान तुम मुझसे इतने गुस्सा क्यों हो? व्हाट डिड आई डू? क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। दिस इज द वे आई एम। एक्चुअली तुम गलत नहीं हो और ना ही तुम्हारे पापा गलत। अरमान सीरियसली, अगर यहाँ कोई इंसान गलत है तो मैं। तुम्हारे पापा सही कह रहे थे। मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक हूँ। एक्चुअली दोस्ती तो क्या, मैं एक्चुअली बात करने के लायक अरमान 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 वो इंसान दोस्ती के लायक नहीं। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है अरमान, यही प्रॉब्लम है अरमान कि तुम सोचते ही नहीं हो। मैं नहीं चाहता बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम डॉक्टर अरमान मलिक के साथ प्रोफेशनल के अलावा किसी भी तरह का इंटरेक्शन मेंटेन करो। अरे यार तेरे उस परशुराम को निकाल दे नौकरी से। कितने बेल बजाए, मैंने खोल ही नहीं रहा था यार। सैम तू यहाँ क्या कर रहा है यार? अरे यार मुझे तेरी मदद की बहुत जरूरत है यार, मैं बहुत मुसीबत में हूँ यार। I know champ, but अभी मेरा मूड नहीं और मुझे सोना भी है। अरे यार मेरी जिंदगी और मौत के बीच में जान अटकी हुई है और तेरा मूड की तू ऐसी तैसी मत कर यार। समझता क्यों नहीं है यार? अरे मैं समझ रहा हूँ यार, लेकिन तू नहीं समझ रहा है यार। देखना प्लीज, मुझे अंजलि की बहुत फिक्र हो रही है यार। पता नहीं उस गोगिया पाशा ने उसको कितना क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया है यार। कहीं उसकी याददाश्त चली गई तो मैं तो विधवा हो जाऊंगा ना। प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या क्या चाहता है तू यार? मैं किसी तरह ये जानना चाहता हूँ कि अंजलि ठीक है कि नहीं यार। चैम देख, अंजलि को फोन कर लेना। अरे मैं अपने फोन से फोन नहीं कर सकता हूँ ना यार, वो मेरा फोन उठाएगी ही नहीं। तो अपने फोन से रिद्धिमा को फोन कर, फिर मैं पूछता हूँ वो कैसी है। सॉरी मैं रिद्धिमा को फोन नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, तू नहीं करेगा ना फोन, तुम्हें तड़प तड़प के अपनी जान दे दूंगा। अरे यार मुझे नहीं, तुझे फोन करना ही पड़ेगा, तुझे फोन करना ही पड़ेगा यार। मैं फोन कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी 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 दे दूंगा, तू बात कर ले। अपने पापा को समझाने आई थी। पापा को समझाने आई थी। पापा को हो गया सब कुछ ठीक? हो गया सब कुछ ठीक। अरमान, हेलो अरमान, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। हेलो रिच रिच रिच, अंजलि कैसी है? अतुल दी ठीक है, वो अभी सो रही हैं। उसकी याददाश्त तो ठीक है ना? अतुल क्या पूछ रहे हो ये? नहीं अगर उसकी याददाश्त चली है तो ही अच्छा है। कहीं उसको सब कुछ याद आ गया कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया है, तो फिर वो उठ के मेरे साथ क्या क्या करेगी? अब अतुल दी को सब याद है, लेकिन अभी वो सो रही है ना, जब वो उठे ना तो मेरी तरफ से उसको हेलो के देना। ओके मैं रखता हूँ फोन अभी। अतुल वो अरमान है वहाँ पे। हाँ उसे प्लीज फोन दोगे मुझे कुछ? ये दे रहा हूँ एक सेकंड, ले तेरे से बात करनी है। अरमान मैं वो कह रही थी कि जो पापा ने कहा था वो उसका मतलब ऐसा नहीं था जो। हाँ मुझे पता है, पापा ने जो कुछ भी कहा तुम उन्हीं की साइड लोगी। अरमान ऐसी कोई बात नहीं है। I understand. Good night. अरमान हेलो अरमान। थैंक्स यार थैंक्स। चल ये नहीं तेरा बॉल, खेल, बाय।
यार राहुल ना पिल्लू उसकी दुकान खोल के रखी, पता नहीं रात पर पिल्लू उसके साथ करता क्या। अबे यार ये जंगली बिल्ली क्यों सुबह सुबह मुंह फाड़ रही है। बालों की वजह से अब इस फिर बाढ़ आ गई है। मुस्कान, इस कमीने के दिमाग को मैं आज ठीक करती हूँ। और फीकू, उनकी ज़बान ही नहीं समझता, अब देखती हूँ कैसे समझता है। मुस्कान, मेरा घर कर दिया तूने, मेरा जीना सोना खराब कर दिया तूने मेरा। मेरी भी जिंदगी यहाँ पे तेरे साथ बहुत आराम से नहीं निकल रही है। मेरे गले में हड्डी की तरह अटका हुआ है। नहीं मैं तुझे निकाल सकती हूँ, नहीं मैं तुझे बाहर निकाल के फेंक सकती हूँ। दूर रहना मेरे से और दफा हो जा। तू भी दूर रहना मेरे से, समझी? अरे यार ये अंजलि अभी तक नहीं आई। ए अतुल, बहुत जल्दी आ गए थे आज। हाँ यार वो कल से अंजलि को नहीं देखा है ना इसलिए। तेरे कान के अंदर क्या है? हाँ? अबे ये तो आटा है। घर पे खाना तू बनाता है? मुस्कान तुझसे बनवाती है, खुद नहीं बनाती? अरे नहीं 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 यार, ये तो वो ऐसे ही खेल खेल में लग गया ऐसे। कोई बात नहीं, मेरी भी यही हालत होने वाली है। अच्छा है। हाय गाइस। पता अंजलि अभी तक नहीं आई। मॉर्निंग सिस्टर। अरे वो देख आ गई। अरे यार बहुत गुस्से में लग रही है। एक गाइस मुझे लगता है हमें सॉरी बोलना चाहिए यार, मतलब गलती हमारी नहीं थी लेकिन गड़बड़ तो काफी होगी ना। राहुल ठीक कह रहा है। आई नो। अंजलि, अंजलि वी आर लाइक रियली सॉरी यार। एक्चुअली पता है अंजलि, हम तो तुम्हें सिर्फ सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे। वेरी गुड, आई वाज सरप्राइज्ड। माँ की वो अंजलि, वो एक्चुअली हम लोगों की कोई गलती नहीं थी, वो गोगिया पाशा ने आके सब शट अप। मुझे सुनना ही नहीं ये सब बकवास। कैन यू गाइस इवन इमेजिन व्हाट आई वेंट थ्रू? क्लोरोफॉर्म जो तुम लोगों ने किया ना वो मैं कभी नहीं भूलूंगी और तुम्हें कभी माफ भी नहीं करूंगी। ओके सो फॉरगेट इट। हाय अंजलि। हे कैसी हो? ऑसम। कैसा था दिल्ली? रॉकिंग। बाय द वे तुम सब लोग इतना चुपचाप क्यों खड़े हो? Hi. Forget it. Okay. Good morning, doctors. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. कैसी हैं आप? Very good, ma'am. Doctor Atul, Doctor Anjali, आप दोनों पैथ लैब में रहेंगे। Doctor Muskan, Doctor Rahul, OPD. डॉक्टर अरमान, डॉक्टर रिधिम, जनरल वार्ड। और हाँ आज शाम को एनुअल इंस्पेक्शन है, आप सभी ठीक 5 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाइएगा। नाउ गेट टू वर्क। क्या चली था? अरमान वो नाना के टेस्ट करवाने थे। थैंक्स, मैं करा लूंगा।
पहले तो तुझे सिर्फ घर पे झेलना पड़ता था और अब ड्यूटी भी तेरे साथ। जाके डॉक्टर खींचे को मना कर देना। देख वैसे अभी सब नाटक वाटक और नहीं होता, बस प्लीज तुझसे ज्यादा परेशान तो मैं हूँ। सुबह उठ कर देखो तो तेरी गंदी सी शक्ल। तेरी भी शक्ल कोई हीरो से नहीं सजी हुई। कभी बहस बंद कर, हमें अलग अलग होने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। तो प्लीज जल्दी ढूंढ, क्योंकि मैं इतनी बाली उम्र में ना पागल नहीं होना चाहती। बाली उम्र में पागल। अंजलि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बट आई स्वेयर मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। अंजलि प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर हूँ। अगर तुम्हें हमारे काम के बारे में बात करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। अंजलि अंजलि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो अपनी गलती सुधारने के लिए तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना है? लेट मी थिंक। कुछ नहीं। अंजलि अंजलि एटलीस्ट एक कॉफी तो पी लो। मुझे नहीं पीनी कॉफी। अंजलि प्लीज मैं देखो तुमने क्या किया। जस्ट लीव मी अलोन नाउ। डॉक्टर अरमान, मिस्टर देशपांडे की रिपोर्ट आ गई। मुझे नाना का मेडिकेशन चेंज करना है। इन्हें दे दीजिए। ताकी रे बुलबुल तेरे दिल में झाकी 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 रे। नाना उठो ना यार। अरे छोड़ ना ये कट्टी बिट्टी, दोस्ती कर ले दोस्ती। देख बुलबुल को कितना दुख हो रहा है। नाना आपको पता नहीं मैं उस किस्म का लड़का नहीं हूं जिससे दोस्ती बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये मेरा बिल नहीं है तो मैं क्यों पैसे भरूं? ये तो डॉक्टर राहुल का बिल है, उन्हें दो। मैडम अब तो आप दोनों की शादी हो चुकी है और आपका और उनका क्या एक ही है ना? ठीक है मैं आपको बाद में दे दूंगी। थैंक यू। इतना खाता है चाहता कहाँ है? Hi. क्या हुआ? इतनी सैड क्यों लग रही है? नहीं कुछ नहीं बस ऐसे। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये सारे बॉयज ना बड़ी इरिटेटिंग होते। क्या हुआ? राहुल से लड़ाई हुई? नई शादी है इतना मत लड़ा कर। हाँ। पर तू क्यों अपसेट लग रही है? मैं नहीं, आई थिंक थोड़ी टायर्ड हूँ। हे गाइस। हाय अंजी। अच्छा सुनो, तुमने अतुल को देखा कहीं? नहीं दी, मैं तो वार्ड में थी। क्यों क्या हुआ अंजी? वेयर इज ही? डॉक्टर कीति ने उसे सुबह मेरे साथ ड्यूटी दी थी पैथ लैब में और वो सुबह से ड्यूटी पर आया ही नहीं है। Can you imagine अगर डॉक्टर कीति को पता चलेगा तो क्या करेंगी वो उसके साथ? ड्यूटी पे नहीं आया? वही तो मैं कह रही हूँ, ये सारे बॉयज ना होते ही निकम्मे। ये अतुल भी ना कहाँ जा सकता है? हम तो ये कहते हैं अतुल पाशा कि अगर लड़की भाव ना दे तो मर्द के बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़ने का है
और उसको साफ साफ कहने का है आई लव यू। अरे वही तो गोगिया पाशा, वही तो हिम्मत नहीं हो रही है, वही हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। ऐसा हिम्मत नहीं हो रही है तो कोई दूसरी स्कीम को आजमाना पड़ेगा। बताओ बताओ बताओ। तो हम ये कहते हैं कि पटियाला के दो बड़े बड़े बैग लगाने चाहिए, मेरे ख्याल से हिम्मत अपने आप आ जाएगी। अरे छी 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 गोगिया पाशा, मैं कोई वैसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ घर का लड़का हूँ, शराब वराब नहीं पीता, सिर्फ दूध पीता हूँ दूध। छी छी छी, घनघोर कलयुग आ गया, घनघोर कलयुग आ गया है, आप सिर्फ दूध पीते हैं। हाँ, मैं सत्ययुग में रहने वाला आदमी हूँ। ओहो, तो फिर करना पड़ेगा भाई। पप्पू चिकने, इस समय को दूध का इंतजाम हो सकता है? अरे बॉस, मैंने अपने लिए रखा है गाड़ी में दूध। अरे शाबाश का लड़का है, वाह दिखाला, वाह भाई वाह। दूध हाजिर है मालिक। क्या बात कर रहे हैं? पीजिए ना। क्यों? अरे पीजिए अतुल जी। मैजिक है इसमें? अरे मैजिक है, बहुत बड़ा जादू है इसमें। मन की बात निकलेगी। कैसा लग रहा है? अरे कैसा लग रहा है? अब आप अपने मन की बात उनके कह सकते हैं, है ना? आप अपने दिल की जितनी बातें हैं वो अंजलि को बहुत प्यार से कह सकते हो, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। अंजलि के साथ, अंजलि के साथ। बॉस बॉस बॉस, आपने इस दूध में क्या मिलाया था बॉस? वो भांग भांग थी, भांग भांग, वो भांग भांग थी भांग, वो भांग भांग थी, भांग भांग, वो भांग भांग थी भांग। यार ये लड़कियां होती अजीब है, दूर से देखो तो ऑसम, पास जाओ तो प्रॉब्लम। आगे से गोल 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 क्यों घूम रही है? अरे आंखें तो सबकी गोली होती है ना, और वो तो घूमती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें कौन सी नई बात है यार। अरे तू कुछ पी के आया क्या? क्या भी किया है तू? दूध पिया मैंने, दूध, स्पेशल ताकत वाला दूध। चैंप, ये तुझे दूध किसने पिलाया? और अरे किसने पिलाया, क्यों पिलाया, इस बात का कोई मतलब नहीं है, पता है? आज सिर्फ मतलब एक बात का है, आज ये दूध छोड़ना, आज ये दूध अंजलि के सामने अपना रंग दिखाएगा। ठीक हूँ, ठीक हूँ। अबे नहीं, ठीक। क्या क्या करके आया ये कुछ? अंजलि, मैं आ रहा हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चल चल, चल अतुल चल। अरे यार बाहर से लॉकर के चला गया क्या? अब